पूरी कैंसर कम्युनिटी में हाइप है कि एक नई रशियन कैंसर वैक्सीन आने वाली है जो कैंसर को एलिमिनेट कर देगी। क्या है इस वैक्सीन का सच, क्या है इसकी कीमत और कब आएगी डॉक्टर्स और पेशेंट के हाथ में वैक्सीन? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, एमबीबीएस एमडी एंड डीएम फ्रॉम एमसीयू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, हाल ही में पुतिन ने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है कि रशियन साइंटिस्ट ने एक नई कैंसर की वैक्सीन बनाई है, जो गमेलिया इंस्टीट्यूट है जिसने रशियन कोविड वैक्सीन स्पुटनिक वी बनाई थी, उसी इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि उन्होंने प्री क्लिनिकल वर्क में एक ऐसी वैक्सीन बनाई है जो कैंसर के अगेंस्ट इफेक्टिव है और इसके ट्रायल चल रहे हैं, और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये वैक्सीन को ये फटाफट एक्सेलरेटेड रूप से डेवलप करेंगे और मे बी नेक्स्ट ईयर तक कैंसर पेशेंट्स के हाथ में दे देंगे। तो जब से न्यूज वापस आई है, बहुत सारे पेशेंट्स में हाइप है। देखो, एटलीस्ट 100 लोगों ने कॉन्टेक्ट करके बोला है कि इस वैक्सीन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे और बताया कि वैक्सीन पेशेंट के लिए यूजफुल रहेगी क्या, कब आएगी, किस कॉस्ट पे आएगी, इंडिया में कैसे आएगी, कितनी फायदेमंद है। तो इसलिए इस पर्पज से मैंने आज का ये वीडियो बनाया है पेशेंट को समझाने के लिए कि रशियन वैक्सीन के हाइप के पीछे का रियलिटी क्या है। क्योंकि फ्रेंड, जो भी हमारे चैनल को फॉलो करते हैं वो ये अच्छी तरह समझते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी मंथ कैंसर में कोई ना कोई नई हाइप टप या पंप टप न्यूज आती है और उसमें यूजुअली बहुत सारा ऑप्टिमिज्म होता है, पर जब पर्दे के पीछे हम देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि एक्चुअल में उस हाइप के पीछे की रियलिटी क्या है और पेशेंट्स को हम एक मेजर्ड, केयरफुल और करेक्ट वे से गाइड करना चाहते हैं ताकि उनको पता हो कि इस वैक्सीन का क्या एक्सपेक्टेशन रह सकता है और ये किन किन पेशेंट को इस दवाई का फायदा होगा। तो आज के वीडियो में हम इस वैक्सीन के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन कवर करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू द डिटेल ऑफ द वैक्सीन, सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे आंसर क्लियरली करना है वो ये है कि क्या यह वैक्सीन कैंसर पेशेंट के लिए मेजर एडवांसमेंट हो सकती है और क्या यह कैंसर पेशेंट की हेल्प करेगी? इसका आंसर इज डेफिनेटली यस। क्या कोई आदमी रशिया ट्रैवल करके या रशिया के कॉन्टैक्ट के थ्रू ये वैक्सीन आज के दिन पा सकता है, यानी दिसंबर 2024 में ये वैक्सीन पा सकता है? इसका आंसर इज नो। और सपोज मेरे पास कोई सीक्रेट एजेंट है जो रशियन फैक्ट्री में ब्रेक करके वैक्सीन चुरा के मेरे को दे दे, क्या ये वैक्सीन अपने कैंसर पेशेंट को आज के दिन यानी दिसंबर 2024 में लगा हुआ? तो इसका आंसर इज ऑल्सो नो। तो अब हम एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं और क्यों ये वैक्सीन, हालांकि एक इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट है, क्यों बिफोर गिविंग इट टू अ पेशेंट हमें और इंफॉर्मेशन और जानकारी की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो अनाउंस हुई रशियन कैंसर वैक्सीन है ये क्या है और कैसे काम करती है। तो फ्रेंड्स, कैंसर वैक्सीन एक पुराना एरिया ऑफ रिसर्च है। जिस तरह बॉडी में कोई बैक्टीरिया यदि घुसता है तो इम्यून सिस्टम उसको किल कर सकता है, वैसे ही बॉडी में कोई कैंसर सेल पनपता है तो इम्यून सिस्टम उसको किल कर सकता है। और इस फील्ड ऑफ रिसर्च है, इस फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी को हम कैंसर इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। कैंसर इम्यूनोथेरेपी के बारे में हमने इस चैनल पर बहुत बहुत बार डिस्कस किया है और कैंसर इम्यूनोथेरेपी की फील्ड के बारे में डिटेल जानने के लिए आप स्क्रीन पर डिस्प्ले लिंक से हमारा कैंसर इम्यूनोथेरेपी का डिटेल वीडियो देख सकते हैं। पर मोटा मोटा कैंसर इम्यूनोथेरेपी वो सेट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो इम्यून सिस्टम का इस्तेमाल करती है ताकि वो क्या जाके कैंसर को किल कर दे और कैंसर का सर्वाइवल बढ़ाए या कैंसर को एलिमिनेट करे और पेशेंट को अच्छा आउटकम दे। तो फ्रेंड्स, कैंसर वैक्सीन से हमारा तात्पर्य ये है कि किसी कैंसर पेशेंट को कोई ऐसा इंजेक्शन दे दिया जाए जिसमें वो एंटीजन है जो कैंसर सेल पे होते हैं और नॉर्मल सेल पे नहीं होते, ताकि इम्यून सिस्टम उन एंटीजन को पहचान के सीख जाए कि कैंसर को कैसे मारना है और जिस कैंसर को इम्यून सिस्टम नहीं मार पा रहा उसको मारने के कैपेबल हो जाए और कैंसर को किल करके पेशेंट को अच्छा आउटकम दे। तो इस तरह की कैंसर इम्यूनोथेरेपी टेक्नोलॉजी को हम कैंसर वैक्सीन बोलते हैं और ये बहुत ही ओल्ड एंड बहुत ही क्लासिकल एरिया ऑफ कैंसर रिसर्च है कि जिस तरह हम कोविड वायरस को वैक्सीन लगा के कोविड को प्रिवेंट कर सकते हैं कि क्या हम कैंसर एंटीजन का टीका लगा के कैंसर को प्रिवेंट या ट्रीट कर सकते हैं। तो जो गैमेलिया इंस्टीट्यूट की कैंसर वैक्सीन है वो एक mRNA वैक्सीन है। mRNA वैक्सीन का मतलब बेसिकली ये है कि बॉडी में एक स्पेशल तरह का DNA का फ्रेगमेंट दे दिया जाता है वेरियस चैनल्स के थ्रू जो कि नॉर्मल सेल में घुस जाती है और उस सेल में एक स्पेशल तरह का प्रोटीन बनाती है जो हमारी मर्जी का है। तो जब हमें कोविड के अगेंस्ट mRNA वैक्सीन बनाई थी तो हम बॉडी में एक वैक्सीन देते थे जो कोविड एंटीजन, कोविड स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट प्रोटीन बनाती थी जिसको इम्यून सेल जो बॉडी में घूम रहे हैं पहचान लेते थे, एक्टिवेट हो जाते थे उस प्रोटीन के अगेंस्ट, ताकि बाद में जब कोविड का वायरस एक्चुअली पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आता था तो ऑलरेडी इम्यून सिस्टम उसके लिए रेडी था, प्राइम था और उसको इमीडिएटली किल करता था। तो कैंसर mRNA वैक्सीन का कॉन्सेप्ट भी सेम है। बॉडी में एक mRNA सिग्नल डिलीवर कर दिया जाता है जो बॉडी के स्पेशल सेल्स में जाता है, वो कैंसर के एंटीजन बनाते हैं। कैंसर एंटीजन वो प्रोटीन होते हैं जो कैंसर सेल में होते हैं और नॉर्मल सेल में नहीं होते, और इम्यून सेल को वो दिखाता है कि देखो ये एंटीजन मेरे अंदर है। तो इम्यून सिस्टम भाग के आता है, उन एंटीजन को देखता है, वो देखता है ये तो फॉरेन एंटीजन है और उन एंटीजन के अगेंस्ट एक्टिवेट हो जाता है और वही एक्टिवेटेड इम्यून सिस्टम फिर बॉडी के नेचुरल कैंसर सेल जो ये सेम एंटीजन को एक्सप्रेस करता है जाके उनके पास जाता है
और उनको किल कर देते हैं, जिससे पेशेंट का कैंसर आउटकम इंप्रूव होता है। तो कैंसर एमआरएनए वैक्सीन का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि इम्यून सिस्टम को ऐसे एंटीजन दिखाओ जो कैंसर सेल पे प्रेजेंट है और नॉर्मल सेल पे नहीं प्रेजेंट है, उसे एक्टिवेट करो ताकि इम्यून सिस्टम फिर कैंसर को जाके मारे और पेशेंट का आउटकम ऐसा इंप्रूव करे। तो रिसेंटली रशियन हेल्थ मिनिस्ट्री और व्लादिमीर पुटिन ने ये अनाउंस किया है कि गैमेलिया लैब, जिसने स्पुटनिक 5 वायरस कोविड वायरस की वैक्सीन बनाई है, उन्होंने एक प्री क्लिनिकल ब्रेक थ्रू फाइंड आउट किया है और उन्होंने एक ऐसी एमआरएनए वैक्सीन कैंसर के लिए डिजाइन करी है जो कैंसर सेल्स को थ्योरेटिकली जाके किल कर सकती है। उन्होंने अनाउंस किया कि जल्दी इसको डेवलप करके कैंसर पेशेंट्स को अवेलेबल कराएंगे इन वेरी वेरी नियर फ्यूचर। तो सेकंड क्वेश्चन जो कॉमनली इस वैक्सीन से रिलेटेड है वो ये है कि क्या ये प्रिवेंटिव वैक्सीन है, यानी यदि कोई नॉर्मल आदमी उसको कैंसर नहीं है पर मान लो बहुत सिगरेट पीता है, क्या वो वैक्सीन लगा के कैंसर प्रिवेंट कर सकता है? क्या एक पेशेंट वैक्सीन लगा लेगा तो उसका लंग कैंसर नहीं होगा? तो फ्रेंड्स एब्सोल्युटली ये एक लाइन ऑफ रिसर्च है जो इस समय बहुत सारे सेंटर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, पर एज ऑफ नाउ जो वैक्सीन बनाई गई है, चाहे अमेरिकन हो चाहे यूरोपियन हो चाहे रशियन वैक्सीन हो, इनमें से किसी ने भी ऐसा शो नहीं किया है कि कैंसर को प्रिवेंट कर सकती है। और कैंसर प्रिवेंशन एक अर्ली रिसर्च फेज का टॉपिक है आज के दिन, सिवाय एचपीवी वैक्सीन जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करता है, एट द मोमेंट कोई और ऐसी वैक्सीन नहीं है जो किसी भी रैंडमली किसी कैंसर को प्रिवेंट कर सकती है। इसलिए कॉमनली आज के दिन कैंसर एंटीजन बेस्ड वैक्सीन को कैंसर प्रिवेंशन के लिए यूज नहीं किया जाता। ये जो वैक्सीन बनाई जा रही है वो मेनली कैंसर पेशेंट्स के लिए है ताकि उनके ट्रीटमेंट आउटकम को इंप्रूव किया जा सके। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस वैक्सीन के बारे में इतना एक्साइटमेंट क्यों है, क्यों कैंसर पेशेंट कैंसर डॉक्टर दोनों इस वैक्सीन के बारे में एक्साइटेड है? क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि कैंसर वैक्सीन पे रिसर्च कम से कम 50 साल से चल रहा है, तो कैंसर वैक्सीन कॉन्सेप्ट कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऐसे इस वैक्सीन में खास क्या है कि एवरीबडी सो एक्साइटेड अबाउट दिस वैक्सीन? तो फ्रेंड्स कैंसर वैक्सीन रिसर्च एक बहुत ही पुराना एरिया ऑफ रिसर्च है, क्योंकि देखो एक ट्यूमर सेल को पीस के बॉडी में इंजेक्ट करना बहुत ही आसान प्रोसेस है, और वो भी एक तरह का वैक्सीन ही है। अर्ली वैक्सीन ही होती थी, बैक्टीरिया को पीस के बॉडी में इंजेक्ट कर देते थे तो वो वैक्सीन की तरह कॉज करती थी। तो बहुत पहले से ये कॉन्सेप्ट था कि क्या क्यों ना हम किसी पेशेंट का ट्यूमर पीस के बॉडी में इंजेक्ट कर दे ताकि इम्यून सिस्टम उस ट्यूमर के अगेंस्ट एक्टिवेट हो जाए। तो फ्रेंड्स क्लासिकल कैंसर वैक्सीन में बहुत सारी कमियां थी जिसकी वजह से वो काम नहीं करी। लास्ट 50 ईयर से कैंसर वैक्सीन पे जो काम कर रहा है उसमें लोगों को नाकामयाबी हाथ मिली है, एक्सेप्ट फॉर द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है। टिल टुडे इवन आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ रिसर्च ऐसी कोई भी कैंसर वैक्सीन एग्जिस्ट नहीं करती जो प्रूवन है, जो पेशेंट में कैंसर को प्रिवेंट करती है, कैंसर को ट्रीट करती है। और उसके बहुत सारे रीजन है। मेन चीज ये है कि जिस तरह से एक कैंसर सेल इम्यून सिस्टम से खुद को छुपा सकता है, बच सकता है, सेम तरीके से यूजली बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम से बच नहीं सकते। इसलिए कैंसर को वैक्सीन से इम्यून अटैक कराना एक बैक्टीरिया को वैक्सीन से इम्यून अटैक कराने से कंपेयर्ड काफी डिफिकल्ट माना जाता है। तो क्लासिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है कैंसर वैक्सीन डेवलप करने में, जिसकी वजह से एक इफेक्टिव कैंसर वैक्सीन आज तक डेवलप नहीं हो पाई है। सबसे पहले है कि ऐसे एंटीजन ढूंढना बहुत मुश्किल है जो एक नॉर्मल आदमी में के नॉर्मल सेल में ना हो और कैंसर सेल में हो। तो वैक्सीन से हम यही चाहते हैं कि वो सिर्फ कैंसर सेल को अटैक करे, नॉर्मल सेल को अटैक ना करे। तो हमें ऐसे प्रोटीन ढूंढने हैं सिर्फ कैंसर सेल एक्सप्रेस करता, नॉर्मल सेल एक्सप्रेस नहीं करता। तो ऐसे एंटीजन क्रिएट या जनरेट करके उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाना एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। नंबर टू, जो कैंसर सेल है उनमें वेरियस मैकेनिज्म होते हैं जिससे वो खुद को इम्यून सिस्टम से छुपा लेते हैं। तो क्या होता है कि यदि आप ऐसे एंटीजन बना भी लो, उसकी वैक्सीन भी बना लो और पेशेंट को दे भी दो, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट तो होता है पर कैंसर सेल को किल इफेक्टिवली नहीं कर पाता और वो एक्टिवेटेड इम्यून सिस्टम का रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। इसलिए बहुत सारी प्रॉमिसिंग वैक्सीन ओवर द लास्ट 50 ईयर्स बनी है पर जब एक्चुअली पेशेंट में वो दी जाती है तो वो काम नहीं कर पाती, बिकॉज ऑफ कैंसर इम्यून एस्केप मैकेनिज्म, कि वो इम्यून सिस्टम से खुद को बचा लेता है, छुपा लेता है और वो वैक्सीन सक्सेसफुली उसमें काम नहीं कर पाती। थर्ड, कैंसर का जो ट्यूमर होता है उसके जो माइक्रो एनवायरमेंट होती है, यानी कैंसर के जो आसपास के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्लड वेसल होते हैं, इम्यून सेल होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होता है और अन्य कनेक्टिव टिश्यू सेल होते हैं, उस एनवायरमेंट में देखा गया है कि कैंसर वैक्सीन से एक्टिवेटेड इम्यून सेल बहुत इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते और इस रीजन से क्लासिकली ये वैक्सीन बहुत इफेक्टिव नहीं रही है। एंड दैट हैज बीन द टेल ओवर द लास्ट 50 ईयर्स। इनफैक्ट यदि आप 10-15 साल पहले की जाके कैंसर की किताबें खोल के पढ़ोगे तो सब में करेक्टरिस्टिकली ये लिखा हुआ है कि कैंसर वैक्सीन बहुत प्रॉमिसिंग एरिया ऑफ रिसर्च नहीं है और धीरे धीरे इस एरिया को लोगों ने अबैंडन कर दिया है। बट लास्ट 15 ईयर्स में बहुत सारी मेजर डेवलपमेंट्स हुई है। नंबर वन, नए कैंसर इम्यूनोथेरेपी अप्रोचेज डेवलप हुई है जो इम्यून सेल की जो लो इम्यूनोजेंसिटी है उसको कॉम्बैट कर सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ नए इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स है जो ऑलरेडी पेशेंट में यूज होते हैं और देखा गया कि यदि कैंसर वैक्सीन के साथ उन ड्रग्स को इस्तेमाल किया जाए तो वैक्सीन की जो लो इम्यूनोजेंसिटी है उसको हम एनहांस कर सकते हैं और कैंसर वैक्सीन
और इफेक्टिवली काम कर सकती है। नंबर टू, कैंसर वैक्सीन टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है। क्या देखा गया है कि बस सिंपल कैंसर एंटीजन को इंजेक्ट बॉडी में करने से इम्यून सिस्टम सफिशियंटली एक्टिवेट नहीं होता, तो नई टेक्नोलॉजी जैसे mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी जो कोविड के टाइम में डेवलप हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट, कोविड वैक्सीन जब बनी थी उससे पहले वर्ल्ड में mRNA वैक्सीन नाम की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं थी, तो एक नई टेक्नोलॉजी है जो आई है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। और देखा गया कि mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी को यदि हम यूज करें तो एक्चुअली एक ज्यादा बेटर एंटी कैंसर इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकता है, टी सेल को और अच्छी तरह एक्टिवेट कर सकता है ताकि वो जाके कैंसर को मारे। और नंबर थ्री, जो एंटीजन सिलेक्शन है वो प्रोसेस इंप्रूव हो गई है। जो कैंसर एंटीजन है, जो वो यानी वो प्रोटीन जो सब कैंसर सेल में अवेलेबल है और नॉर्मल सेल में नहीं अवेलेबल है, उनका आइडेंटिफिकेशन कंपेयर टू लास्ट 50 ईयर्स बहुत अच्छा हो गया। इनफैक्ट आज के दिन पॉसिबल है कि आदमी की एक पर्सनलाइज एंटीजन आइडेंटिफिकेशन किया जा सके, यानी एक पर्टिकुलर आदमी के कैंसर में जो एंटीजन यूनिक है हम स्पेशली उनको सेलेक्ट करके उनके अगेंस्ट वैक्सीन बना सकते हैं, इसको हम पर्सनलाइज कैंसर वैक्सीन बोलते हैं। और ये टेक्नोलॉजी अब अवेलेबल है और ये पॉसिबल भी है। तो इन रीजन से एक कैंसर वैक्सीन की रिसर्च एरिया में एक रिसर्जेंस हुआ है, और रिसेंट कैंसर वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल जैसे यूएस और यूरोप में हुई है उनमें पॉजिटिव रिजल्ट देखा गया है, जिससे ये इंटरेस्ट आया कि कैंसर वैक्सीन शायद फिर से एक इफेक्टिव और पोटेंट रूप से पेशेंट को दी जा सके और mRNA फॉर्मेट से पेशेंट का अच्छा आउटकम निकाला जा सके। तो स्मार्ट रीडर्स ने यह नोटिस किया होगा कि कुछ ही टाइम पहले एक अमेरिकन वैक्सीन का भी हाइप हुआ था, जो BNT116 बायोनटेक की और फाइजर की वैक्सीन थी, कि इसका भी लंग कैंसर में रिसर्च में पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, पर देखो रशियन वैक्सीन के BNT116 वैक्सीन से दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है जिसकी वजह से ऑन्कोलॉजिस्ट में एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट है। नंबर वन, जो BNT116 वैक्सीन है उसके एंटीजन फिक्स्ड है, यानी वो लंग कैंसर की वैक्सीन है, लंग कैंसर में जो कॉमन एंटीजन है उसको यूज करके BNT116 को डिजाइन किया गया है। और किसी भी लंग कैंसर पेशेंट में यदि तुम BNT116 दोगे तो हर कैंसर पेशेंट को सेम वैक्सीन ही मिलेगी, यू विल गेट द सेम BNT116 वैक्सीन। जबकि रशियन वैक्सीन एक कस्टमाइज्ड वैक्सीन है, यदि अलग अलग कैंसर पेशेंट है तो हर कैंसर पेशेंट का इंडिविजुअल ट्यूमर का टुकड़ा निकाल के उसमें एंटीजन निकाल के AI एल्गोरिथम से फिगर आउट किया जाएगा कि उसमें कौन सा एंटीजन है जो नॉर्मल सेल में नहीं है, और एक कस्टमाइज्ड वैक्सीन बना के हर पेशेंट को दी जाएगी। तो जो रशियन वैक्सीन है वो एक कस्टमाइज्ड वैक्सीन है और एक्सपेक्टेड है BNT116 से ज्यादा इफेक्टिव होगी। नंबर टू, अमेरिकन फाइजर की वैक्सीन ऑब्वियसली एक बहुत ही एक्सपेंसिव वैक्सीन होने वाली है, क्योंकि अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही एक्सपेंसिव और हाई वैल्यू काइंड ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम होता है। और यदि हम सोचे कि BNT116 वैक्सीन हमें इंडिया में मिल जाएगी तो ये एब्सोल्युटली एक्सपेक्ट मान के चलो कि वो वैक्सीन इंडिया में आएगी तो कई लाख की एक एक डोज उस वैक्सीन का होगा। ऑन द अदर हैंड रशियन वैक्सीन यही वैक्सीन को एक हाईली इकोनॉमिकल कॉस्ट पर बेचेगी, ये हाईली एक्सपेक्टेड है, और ये एक ऐसी रेट पे होगा जो आम आदमी के पहुंच में होगा, जो इंडिया का आम नागरिक अफोर्ड कर पाएगा। इनफैक्ट mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी इंडिया में भी अवेलेबल है, हमें पता है कि इंडिया की वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनी थी और इंडियन पेशेंट को मिली थी। तो हाईली एक्सपेक्टेड है कि अगर रशियन वैक्सीन टेक्नोलॉजी हम मॉडिफाई या कॉपी या इंफॉर्मेशन शेयरिंग या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू इंडिया वैक्सीन की टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सके तो इंडियन कंपनी भी ये वैक्सीन बना सकती है और बहुत ही लो कॉस्ट में इंडियन पेशेंट को दे सकती है। तो रशियन वैक्सीन के दो फायदे हैं, एक है कि ये इंडिविजुअलाइज पर्सनलाइज वैक्सीन है जो अमेरिकन वैक्सीन नहीं है, और नंबर टू ये बहुत ही लो कॉस्ट पे एक्सपेक्टेड है जो इंडियन पेशेंट अफोर्ड कर पाएगी और अपने पहुंच में इस्तेमाल कर पाएगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वैक्सीन कब मिलेगी, कब मैं एज अ डॉक्टर उसको लेके पेशेंट को दे पाऊंगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वैक्सीन का अभी बस प्री क्लिनिकल रिसर्च डेटा ही आया है। प्री क्लिनिकल मतलब सेल लाइन में या कुत्ते बिल्ली चूहों में जो स्टडी हुई है उसी का डेटा आया है। इस नए वैक्सीन का अभी तक कोई ह्यूमन डेटा नहीं आया है और कोई ह्यूमन डेटा पब्लिश नहीं हुआ है। तो अंटिल ये वैक्सीन एक ह्यूमन में टेस्ट नहीं होती, ह्यूमन डेटा इसका नहीं आता, तब तक ये वैक्सीन हम पेशेंट को डेफिनेटली नहीं देंगे। रीजन ये है कि यदि कोई वैक्सीन कुत्ते बिल्ली में इफेक्टिव है इसका मतलब ये नहीं है कोई वैक्सीन ह्यूमन में भी इफेक्टिव रहेगी, नंबर वन। और नंबर टू, हो सकता है कि इस नई वैक्सीन का कोई लॉन्ग टर्म या डिफिकल्ट साइड इफेक्ट हो जो इमीडिएट फर्स्ट क्लास में ना दिखे पर 6 महीने या 1 साल के बाद क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे भी बहुत सारी वैक्सीन आई थी जिनमें से कुछ बाद में बैन हो गए थे क्योंकि उनमें लॉन्ग टर्म हार्ट फेलियर का रिस्क था या हार्ट अटैक का रिस्क था या पेशेंट की डेथ का रिस्क था। तो सिमिलरली थोड़ा फॉलोअप, एक ह्यूमन स्टडीज, ह्यूमन में उनके एफिकेसी का एविडेंस और थोड़ा लॉन्ग टर्म फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर सेइंग कि ये वैक्सीन ह्यूमन पेशेंट्स के लिए सेफ है और इफेक्टिव है, और सर तभी इस वैक्सीन को यूज करना चाहिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंटिल ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स आर कंप्लीटेड और कम से कम उनमें 6 महीने 1 साल का अच्छा खासा फॉलोअप ना हो जाए, हमें इस वैक्सीन को हमारे पेशेंट को नहीं देना चाहिए बिफोर वी नो इट इज सेफ एंड इफेक्टिव। तो नंबर वन, एक तो वैक्सीन इफेक्टिव होनी चाहिए यानी ह्यूमन में काम करनी चाहिए कैंसर को मारने के लिए, और नंबर टू वैक्सीन सेफ होनी चाहिए यानी कोई अनएक्सपेक्टेड या डेंजरस सीवियर साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए जो
पेशेंट के लाइफ को रिस्क में डाल दे। और एक बार ये दोनों पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए, आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी टू गेट माई हैंड ऑन दिस वैक्सीन एंड गिव इट टू माई पेशेंट्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वॉट शुड यू एज अ कैंसर पेशेंट डू जब तक ये वैक्सीन की ये सब रिसर्च नहीं आती? मेरा आंसर बड़ा सिंपल है, वेट कीजिए। आज के दिन जो अवेलेबल टेक्नोलॉजीज है वो भी हाईली इफेक्टिव है, मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स को क्योर कर सकती है, जो पेशेंट को क्योर नहीं कर सकते लंबा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल दे सकती है। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए जो अवेलेबल बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका फायदा ले और उस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने कैंसर का ट्रीटमेंट करे। एंड वेट फॉर कैंसर रिसर्च टू शो कि वैक्सीन इफेक्टिव है, वैक्सीन सेफ है, और जब भी ये रिसर्च आती है अपने डॉक्टर से बात करें ताकि एक वैक्सीन अवेलेबल हो जाए। एक मेरे पास एक ऊपरी में पेशेंट आए थे, सर मैं रशिया ट्रैवल करने को तैयार हूँ ये वैक्सीन लेने के लिए। फ्रेंड्स, ये एब्सोल्युटली गलत विचार है, क्योंकि जो वैक्सीन का ह्यूमन में अभी तक कोई प्रूफ ही नहीं है कि काम करती है, उसको लेने के लिए तुम ह्यूमन गिनी पिग बनना क्यों चाहते हो? यदि आप कोई कैंसर क्लिनिकल ट्रायल ज्वाइन कर रहे हो और एक फॉर्मलाइज रिसर्च सेटिंग में एक रिसर्च ड्रग लेने जाते हो तो वो एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल है। बट टू माय नॉलेज इस समय रशियन वैक्सीन सिर्फ रशियन पेशेंट्स को इसके क्लिनिकल ट्रायल ज्वाइन करने का मौका दिया गया है, और कोई भी इंटरनेशनल पेशेंट आज के दिन में क्लिनिकल ट्रायल नहीं ज्वाइन कर सकता। इनफैक्ट इसके ह्यूमन ट्रायल अभी स्टार्ट भी नहीं हुए है। तो एज ऑफ टूडे यानी December 2024 आप इस वैक्सीन को एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर नाउ जस्ट वेट, स्टे अलर्ट, व्हाट्स द न्यूज, टॉक टू योर ऑन्कोलॉजिस्ट, और कोई भी ऐसी इंटरवेंशन अगर आती है जो आपको हेल्प कर सकती है उसके बारे में अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस करें कि क्या आप ये पा सकते हैं और क्या इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, के साथ ही मैं आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है और इसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से फैल रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टू सेट दिस रिकॉर्ड स्ट्रेट ताकि लोगों को समझ में आए कि वैक्सीन क्या है, कैसे काम करती है, क्या इसका रोल है और क्यों एक्सपेक्टेड है कि इफेक्टिव रहेगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। हमारे चैनल का मेन पर्पज ये है कि वर्ल्ड का लेटेस्ट और बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट का फायदा इंडियन कैंसर पेशेंट को मिले और वो बेस्ट से बेस्ट आउटकम पाए, लॉन्गेस्ट सर्वाइवल एंड हाईएस्ट क्योर रेट। इस मिशन में हमसे जुड़ने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जल्दी आएगा कैंसर के बारे में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।